नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके बिहार में नई भर्ती की सूचना लेकर आ चुका हूं। पद की बात करें तो सचिवालय सहायक, कुल पदों की संख्या की बात करें तो 1700। बिहार सरकार द्वारा ये लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया गया है, तो चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल न्यूज़ पर। उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल न्यूज़ पर। जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ। 57% रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोन्नति से 57% रिक्त पद यहाँ पर भरे जाएंगे। और आगे चलिए जान लेते हैं क्या बातें, डिटेल में बताई गई सारी जानकारी आपको देंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। बिहार सचिवालय सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर उनसे सचिवालय सेवा के 57% रिक्त पदों की प्रोन्नति के माध्यम से भरने की मांग की है। तो आप लोग देख पा रहे हो, जो बिहार सरकार है, आप लोग देख पा रहे हो, सचिवालय सेवा के 57% रिक्त पदों के प्रोन्नति के माध्यम से भरने की मांग की गई है। यहाँ पर बिहार सचिवालय सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंप दिया गया। ठीक, और आप लोग आगे देख पा रहे हो, यहाँ पर दिया गया है कि संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार और महासचिव अशोक कुमार सिंह ने सोमवार को दिए गए ज्ञापन की जानकारी दी। और ज्ञापन में कहा है कि संयुक्त सचिव स्तर के 93% पद रिक्त हैं। आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर संयुक्त सचिव स्तर के 93% पद रिक्त हैं और स्वीकृत बल के विरुद्ध मात्र एक व्यक्ति तैनात है। और उप सचिव के 95% पद रिक्त हैं, यहाँ पर उप सचिव के 95% पद यहाँ पर रिक्त हैं। और अवर सचिव के 88% पद और प्रशाखा पदाधिकारी के 44% पद रिक्त हैं। आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा संख्याओं में यहाँ पर वैकेंसी खाली है। और उप सचिव के 100 यानी कि 100 स्वीकृत पद के विरुद्ध मात्र 5 अफसर और अवर सचिव के 301 स्वीकृत पद के मुकाबले मात्र 37 लोगों से काम लिया जा रहा है। अधिकतर अफसरों को सरकार SEP और MSEP के माध्यम से उच्चतर पद का वेतन तो दे रही है, पर उनसे इस पद के अनुरूप काम नहीं ले पा रही है। तो अवर सचिव के लिए रिक्त 264 पदों पर प्रशाखा पदाधिकारियों की प्रोन्नति दे है और पर नहीं मिली, जबकि 400 से अधिक प्रशाखा पदाधिकारियों का अवर सचिव का वेतन मान मिल रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हो, और यहाँ पर दिया गया, वाशा ने मानव श्रृंखलाओं में भाग लेने की अपील, ये अदर न्यूज़ दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, इतने संख्याओं यहाँ पर वैकेंसी रखते हैं, जो कि प्रतिशत के माध्यम से आप लोगों को बताई गई है कि ये वैकेंसी रिक्त हैं और इन पदों पर बहुत ही जल्द आप लोगों से आवेदन लिए जाएंगे। और इस वैकेंसी से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी होती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये नोटिफिकेशन यदि आप चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर ये नोटिफिकेशन शेयर कर दिया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।